एक्सरसाइज एकेडमी में लंजेज की थी, एक बड़े ही दमदार, बड़े ही एडवांस कैटेगरी की वेरिएंट को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइड लंज नी रेज। तो अगर आप मीनिंग समझ चुके होंगे तो आपको करने में आसानी होगी, तो आप सीधा आइए हमारे साथ करना शुरू कीजिए, जो कि टारगेटेड है हमारे कोर मसल के लिए, लोअर लेग के लिए और स्पाइन के लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसे नियमित अभ्यास करने से आपके वेल राउंडेड फिटनेस अचीव होने जा रहे हैं, तो क्यों ना किया जाए। आइए तो आरंभ कर देते हैं। डबल ऑफ द शोल्डर वेस्ट ये हमारा नॉर्मल लंज पोजिशन है, जिसमें कि हम बारी बारी से पैर को पहले करते हैं, इसे यहाँ तक लाते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। कोशिश कीजिए इसे लाने का, 90 डिग्री पर बेंड कीजिए राइट लेग, और यही राइट लेग उठेगा मित्रों। यहाँ आप हाथ को ऐसे रखिए, यहाँ बेंड भी कीजिए थोड़ा सा वजन, और इसका उल्टा ये ऐसे नी फिर से वापस, ये 2 3 4। अब इसी को हम लेग स्विच करके करने जा रहे हैं लेफ्ट लेग। आइए देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट से करने जा रहे हैं मित्रों। ये लंज में आ गए, ये लेफ्ट पोजिशन आ गए, और लेफ्ट को ही हम लिफ्ट करने जा रहे हैं, रेज करने जा रहे हैं। ये आ गए, ये टाइट रहेगा, 1 2 यहां बेंड कीजिए, 3 4 5 6 7 इससे आप अल्टरनेटली पूरा डायनामिक, जब आपको साइड लंज में मास्टरी आ चुका है और एडवांस बनाते हैं इसे थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए। ये देखिए, ये हमारा लंज का न्यूट्रल। अब हम प्रॉपर लंज में आ गए, लेफ्ट लेग को कर लिया बेंड, अब लेफ्ट को ही रेज कर लिया। आप हमारे साथ 8 times कीजिए। ये देखिए, ये आगे 1 और ये यहाँ 2 इसे 3 4 5 6 ये 7 8। इसमें क्या करना मित्रों, एक को 90 डिग्री पर बेंड रखना है, हाई को पैरेलल टू द ग्राउंड स्पॉट की तरह को जाना, और जिस पैर को आप बेंड कर रहे हैं, जिसे मैं बेंड कर रहा हूं, इससे ही उठाना है ये। अब मैं इसे बेंड कर रहा हूं, इसे ही उठाऊंगा, ये देखिए ये। तो इस तरह से बारी बारी से हम अपने थाई मसल पर काम कर रहे हैं, अपने शरीर के बैलेंसिंग एक्टिविटीज को हम चुनौती दे रहे हैं। तो आप इसे कीजिए और इसके संपूर्ण लाभ का लाभान्वित बनिए।